नमस्कार, स्वागत है आपका INA 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और दोनों फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के एक अड़े मार्ग स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी राजस्थान के रहने वाले हैं, जो बिहार में आकर छोटा कारोबार करते थे और अब अरबों में खेल रहे हैं। ये दावा है राजद के प्रवक्ता और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र का। भाई वीरेंद्र ने ये सारी बातें आरा सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। भाई वीरेंद्र ने सूबे में सरकारी कर्मियों खासकर डीएम एसपी के तबादले पर निशाना साधते हुए एक बार फिर अधिकारियों के आरसीपी टैक्स ना देने पर तबादला झेलने की बात कही। वहीं नीतीश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की बात कहते हुए विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही पिछले दिनों डिप्टी सीएम सुशील मोदी के राजद सुप्रीमो लालू यादव पर लिखे गए किताब लालू लीला पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी को राजस्थान का निवासी बताया। गुजरात में उत्तर भारतीय खासकर बिहारियों पर हो रहे हमले के बावजूद बिहार सरकार की चुप्पी के पत्रकारों के सवाल पर विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहारियों पर हो रहे हमले का जिम्मेदार सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को ठहराया। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रखी है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो नेता पदाधिकारी ऐसे लोग आम आवाम का जान खतरे में पड़ा हुआ है। रोज हत्याएं हो रही है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात में बिहारियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, वहां से बिहारियों को खदेड़ा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और बलात्कार करने का प्रयास भी किया गया है, ये निंदनीय है। सुशील मोदी कहां से आए मैं बता दूं, ये राजस्थान से आए हैं और ये साइकिल पर छोटा मोटा कपड़ा बेचते थे। इनके भाई, इनके पिताजी और बेडशीट लेकर केवल राजस्थान से बिहार आए थे, आज अरबों रुपया में खेल रहे हैं। इनके भाई, इनकी बहन, सुशील मोदी खुद, इनके लड़का करोड़ों रुपया में खेल रहे हैं। पहले अपनी कथा लिखनी चाहिए और ये कथा लिखकर उनसे एक पत्रकार पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो पता नहीं बोल दिए कि लालू यादव। मैंने हर सपने में लालू यादव उनको आ रहे हैं, पता नहीं क्या लालू फोबिया हो गया उनको बीमारी। और इस फोबिया की बीमारी का इलाज जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमको लगता है कि ये जिम्मेवारी हमें मिलेगी कि लालू फोबिया का इलाज किया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सह पलामू जिले के हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक कमलेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिला व अनुमंडल बनाने के नाम पर वर्तमान विधायक जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। झूठ की राजनीतिक से जनता का तनिक भी भला नहीं होगा। जनता सब कुछ जान रही है, समय पर जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। वे हुसैनाबाद पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने हुसैनाबाद को जिला व हरिहरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर 21 नवंबर को हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देने की बात कही। मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह आदि शामिल थे। हरिहरगंज को हम काफी आगे ले जाएंगे, इसीलिए दशहरा के शुभ अवसर पर आपसे हम आग्रह करते हैं कि मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाइए, आपका साथ हो। 19 नवंबर को जोरदार हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, एक दिवसीय धरना, जिसमें हम मांग करेंगे कि हरिहरगंज को अनुमंडल घोषित करो और हुसैनाबाद को जिला बनाओ। हम दो तीन तरफ से रोड निकालेंगे जिससे हरिहरगंज और हुसैन जबला का दूरी 20 या 22 किलोमीटर हो जाए, लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, यहाँ का अस्पताल भी अच्छा बनवाएंगे। जो भी हरिहरगंज का अस्पताल बहुत खराब स्थिति में है उसको ठीक करेंगे। गरीब भाइयों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आज हम शुभ दिन पर आप लोग को प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं कि 19 नवंबर का जो आंदोलन हम एक दिवसीय किए हैं उसमें आप अनुमंडल ग्राम क्षेत्र में, और उसके लिए आप लोग का साथ मिलना चाहिए। और अगला चरण मेरा होगा कि 15 से लेकर 20 दिसंबर तक डाल्टनगंज को हम जाम कर देंगे कि हरिहरगंज को अनुमंडल का दर्जा दो और हुसैनाबाद को जिला का दर्जा।
सुबह के मुखिया नीतीश कुमार का सपना दहेज मुक्त बिहार भोजपुर जिले में दम तोड़ता नजर आ रहा है। जहां लोगों को दहेज नहीं देने व लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं जिले में दहेज लोभियों का एक और घिनौना कारनामा सामने आया है। मृतिका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के मोती टोला मोहल्ले की है। मृतिका का नाम सरिता देवी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहटा के सिकंदरपुर की रहने वाली सरिता की लगभग 2 साल पहले आरा के नगर थाना क्षेत्र के मोती टोला निवासी सूरज कुमार से शादी हुई थी। मृतिका के घर वालों के अनुसार उन्होंने शादी के समय दहेज के रूप में काफी सामान दिया था, लेकिन अंगूठी एवं शादी के समय कम मिले 50,000 रुपए के लिए सूरज अक्सर सरिता की पिटाई करता था। रविवार की देर रात सरिता के मायके वालों को सरिता के बीमार होने की खबर मिली, जिसके बाद वो आरा पहुंचे और सरिता को मृत पाया। क्या मांग रहा था, क्या बोल रहा था लोग, क्या बोल रहा था लोग, क्या बोल रहा था लोग, कह रहा था कि नहीं रखेंगे, ऐसे कह रहे हैं मार देंगे, गैसी कर देंगे। क्यों नहीं रखेंगे? एक ही बार मार कर रहा दवाई के बहाने करके ले जाकर के पहुंचाएगा। तो कल क्या हुआ, रात में क्या हुआ है? रात में 11 बजे फोन दूसरा कोई करा। क्या बगल वाला? क्या फोन किया? नहीं फोन करा। क्या फोन किया, क्या पता चला आपको? कि लड़के अशोक के बेटी मर गया। मर गया तो लोग आए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर दूसरा कोई फोन किया था। पहले से प्रताड़ित करा था लोग? क्या हाँ, क्या मार मारबो करा था सर, रमतारी सब बाल बच्चे मिलके मारा था। गेल तो रखबंधन के दिन लड़की गेल तो लड़का के कहल गेल एक जिम्मा हल तक कि तू जा बउआ गार्जियन हती तो विदा करती ओकर भाई हो जाए ना। बेचारा लड़का भी इन्हें पर चलाया आ पिठिया ठोक दम बेटा जोड़े गेलन घरे हमरा आ लड़ाई झगड़ा करके आ लिए आ फिर अलग लड़की तो हमारे न गल कि नहीं धंधा होलक तो अपने सब फोन न करल दूसरा दूसरा कोई कोनो फोन करल तनी 11 बजे 12 बजे रात के अली ऐसे कैली तो ऐसे हाथ होते न मरे हम तो ऐसे न हाथ रहा ऐसे हाथ को ठोक न मुड़ी तो अब तन हिली थोड़ा लगा के फूल लगू ऐसे मुड़िया न उठल पहले से भी तंग करता था लोग का। हाँ तंग करी थल तब न ऐसे हो 1,00,000 रुपया तक 50,000 रुपया हम दिए बर्तन दिए गहना गुड़िया दिए शादी में। हाँ औंठी लगे वो रुस गया और पैसा 50,000 घट गया तो कहा कि तोरा उतने वैसे मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर बीच में कुछ दिन रखा ठीक से फिर कहा कि तोरा कहियो तोरा मार दूँ जान। अब बात है कि सही बात है कि मार दिया जान। कल क्या पता चला? अच्छा कल का पता चला कल के बारे में कि हम लोग सुतल थे 10 बजे रात तो हमको भी फोन सब करवे नहीं किया। फोन दूसरा कोई कोई अदर कास्ट दूसरा भी किया अदर कास्ट भी किया वहाँ पर वो घर आया रात में तब हमसे कहा कि ऐसा ऐसा बात है घर फोन किए तो आप तब लगे फोन धरा है माइन तो अपन है। कितना दिन पहले शादी किया था आप? कितना दिन पहले शादी किया था बहन का? 1.5 साल हो गया। फगुआ में तो शादी किए हैं ससुराल देवी कॉलेज प्रताड़ित करता था। हाँ परेशान कर रहा था बहुत मारपीट करता फिर करता रहता है माँ भी मारता है 4 गो बेटा है लड़का इतना गौ है नसी है कैसे ज़्यादा कोई कोई नहीं कोई रोग कुछ नहीं था इसमें ठीक ना। इनका एक पे कल 2 गो उल्टी हुआ तो हम इन्होंने ले आकर दिए तो इन्होंने नहीं पिए। इसके बाद ये दे हाथ मैंने टिकने लगी लेकर इमरजेंसी में चले आए तो यहाँ पर उतारे उसके बाद ले गए अंदर तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि है ये नहीं है यहाँ तो यहाँ तक सही थी बात। पर ये उनके लड़की के पर घर वाले लगा रहे हैं आरोप कि आप लोग मारे पीटे हैं या मार दिए हैं? ऐसा कोई बात नहीं सर, ऐसा कुछ सर गलत बात है। बताया पहले से भी पीटता था लोग? वो जो लड़की को जो सास है ना वो थोड़ा नहीं पटरी खाता है अपना परिवार के नहीं चाहती है ना कि दूसरे घर अब रहे कैसे कि वो पहले भी यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा मैंने यहाँ अपने हस्बैंड से बोलती थी। इसके आधार पर हमारे मम्मी नहीं छोड़ देती वहाँ पर कि हमारा परिवार है हम ले कर जा रहे हैं बस यही बात है और कोई बात नहीं। लड़ने झगड़ने वाला मतलब कि तबीयत खराब से ही मृत्यु हुई आप लोग? एक पैक से। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर।
भोजपुर बक्सर की सीमा पर बक्सर जिले के चाना गांव के समीप बीती देर रात अपराधियों ने एक ट्रक चालक को नशीला पदार्थ सुंघाकर ट्रक लूट लिया और ट्रक लेकर फरार हो गए। दो की संख्या में रहे अपराधियों ने ट्रक लूटने के बाद चालक का हाथ पर बांध सड़क किनारे फेंक दिया। लुटेरों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब ट्रक का चालक बक्सर से बालू अनलोड कर वापस आरा की ओर आ रहा था। चालक के होश आने के बाद शोर करने पर आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने चालक को बंधक मुक्त कराकर आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ड्राइवर का इलाज चल रहा है। वही ट्रक लूट के इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटे गए ट्रक को आरा के नवादा थाना क्षेत्र से बरामद करते हुए एक लुटेरे को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ट्रक चालक अरवल जिले के सखुआना गाँव निवासी गुड्डू यादव बताया जाता है। इन लोगों को बक्सर में नशा खिलाकर गाड़ी से अपहरण कर लिया गया और इन लोगों को कमल में लपेट के चनवा भैंसाडी के पास एक गोदाम में फेंक दिया गया रोड किनारे। आरा चनवा? हाँ, बक्सर। हमको जब जीपीएस पर देखा तो गाड़ी मेरा रूट से बेरूट जा रहा था। उसके बाद हम अपने आरा में दोस्त के पास फोन किया कि मेरा गाड़ी जो है अपहरण हो गया, लगता है कि ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था, दोनों स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, जीपीएस चेक किया, जीपीएस लगा हुआ है मेरे गाड़ी में। जीपीएस के तहत जो है गाड़ी नवादा परवीन थाना गुमटी बंद था, उसी दौरान गाड़ी मेरा धराया। इसमें एक लड़का धराया, वो लड़का और जो चालक था वो कूद कर भाग गया गाड़ी में से। तो ट्रक अभी कहाँ पर है? गाड़ी अभी पुलिस लाइन में है, आरा पुलिस। हाँ, और कोई पकड़ाया भी? हाँ, जो पकड़ाया लड़का वो नवादा थाना में, वही गच्छा। उसी को पूछने पर जब प्रशासन पूछी तो उसने बताया कि हम उनको कमल में लपेट के चनवा में, बक्सर चनवा वहां पर ही गोदाम में फेंक दिया है, तो वहां से अभी हम लेके आ रहे हैं। बीते 12 फरवरी 2016 को बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा की हत्या जमीन के लिए की गई थी। इस बात का खुलासा शनिवार को गिरफ्तार विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड का मुख्य आरोपी ब्रजेश मिश्रा ने किया है। जी हां, सोनबरसा के बधार की 80 एकड़ जमीन को लेकर विश्वेश्वर ओझा और ब्रजेश मिश्रा के पिता शिवाजीत मिश्रा के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा था, जिसके कारण ब्रजेश ने उनकी हत्या कर दी। इस बात की जानकारी भोजपुर एसपी आदित्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड के बाद एक के बाद एक सनसनीखेज हत्याओं में शामिल 50,000 के इनामी मोस्ट वांटेड ब्रजेश मिश्रा को पुलिस ने उसके गांव शाहपुर के सोनबरसा बधार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ब्रजेश मिश्रा के पास से पुलिस ने एक 9 mm पिस्टल, एक देशी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस और 4 खोखा भी बरामद किया है। घेराबंदी करी तो अंदर से एक पहले गलत घर की तरफ चले गए, तो उसके बाद जब जैसे सही घर में एंटर करी तो वहाँ पे अंदर से फायरिंग होने लगी। फायरिंग में 3-4 गोलियाँ उधर से चलाई गई और चलाते हुए भागे गए 3 लोग थे, एक कार्बाइन के साथ, एक इसका भाई था और एक और आदमी था केवल यादव और एक किशुन मिश्रा जो इसका अपना सगा भाई है, और ये भागने लगे फायरिंग करते हुए। पुलिस ने भी जवाब दिया, राउंड में 2-3 गोलियाँ फायर करी। उसी क्रम में ये आगे घबराहट में ये आगे गिर पड़ा और इसमें ये साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए पीटी में इसको कार्य किया और जाके इसको दबोच लिया। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य साथियों के भी नाम बताए, कुछ हथियारों की भी सूचना दी थी, हम लोगों ने रेड कराई परंतु कल हटा दिए गए थे। आज फिर हम लोग टीम निकालेंगे, संभवतः और भी हथियार इसमें रिकवर होंगे। इस ग्रुप के पास अपनी कार्रवाई है, 315 की राइफल है जो अभी, और 3-4 देसी पिस्टल है और एक 9 mm पिस्टल है। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य किया है DIU ने। बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही उठ गई अर्थी। केसट के गोपाल शर्मा की दुबई में हुई मौत, 12 दिन बाद भी नहीं आया शव, परिजनों में मचा कोहराम, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से लगा रहे हैं गुहार। 45 वर्षीय गोपाल अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिसकी मौत से परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है। घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने और बेटी की शादी धूमधाम से करने को लेकर सात समंदर पार गोपाल 18 माह पूर्व दुबई गया था। दुबई के जबलाली पार्क स्थित ट्रोजन कंपनी में कारपेटिंग का काम करता था। 1.5 वर्ष पूर्व गांव आने के बाद गोपाल ने अपनी बड़ी बेटी पूजा की शादी तय कर चला गया था। दिसंबर में शादी होने की तैयारी परिवार में चल रही थी।
पर शायद नियति को यह सब मंजूर नहीं था। हालांकि 12 दिन पहले आई मौत की खबर के बाद परिजनों को ना तो अब तक शव मिला और ना ही इस बारे में पुख्ता जानकारी मिल सकी है, जिससे परिवार के लोग परेशान व बेहाल हैं। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। ग्रामीणों व परिजनों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उनके शव स्वदेश लाकर परिजनों को सौंपने और कंपनी से उचित मुआवजा देने की मांग की है। कितना दिन पहले? तो कब सूचना मिला कि हादसा हुआ है? उसके बाद अभी क्या कुछ आने का प्रक्रिया? अभी कुछ सूचना नहीं है। कितना दिन हो गया? 8 दिन हो गए। हम सोचते हमारे जल्दी हमारे पति हमारे दोनों काम हमारे चाहिए। अब हमरा के करी हमारा बाल बच्चन के? सरकार से काम मांग करते हैं। हम दोनों मांग करते हैं कि हमारे पति हमारे बोली चाहिए, हमारा कुछ और बच्चन के शादी ब्याह करे खातिर लड़की के चाहिए। माने किस क्लास में पढ़ती हैं आप? इंटर क्लास में पढ़ती हूँ। कितने भाई? दो बहन दो भाई हैं। आपके पिताजी का कितना दिन हो गया गुजरे हुए? 1 हफ्ता। तो क्या आप प्रयास कहीं से हो रहा है कि बॉडी आ जाए? कोई नहीं सूचना मिल रहा है। तो क्या कंपनी से भी फोन नहीं आ रहा है? तो आप सरकार से कुछ मांग करेंगी? किससे मांग करेंगी आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सुषमा स्वराज विदेश के मुख्यमंत्री से, विदेश मंत्री से। क्या मांगती हैं? बॉडी और पैसा दोनों चाहिए। हमारे शादी का दिन रखा हुआ है, 2 महीने के बाद शादी होने वाली है। मम्मी बिखरी हुई है, कैसे शादी होगा? पापा का याद आता है? पापा के याद बहुत आता है। पापा हम लोग को छोड़कर चले गए। घर का स्थिति अब कहने योग्य नहीं है। और अगले सोमवार आज हो गया 8 दिन, 8 दिन से मृत का खबर आया हुआ है, लेकिन अभी आज तक न कोई वहाँ से सूचना है और न कोई उस तरह का माने सूचना आया कि ये लोग संतुष्ट रहें। यहाँ का एक लड़का वहाँ काम करता है उस कंपनी में, ट्रोजन कंपनी का नाम है, दुबई में है, लेकिन ऐसा कोई सूचना नहीं है कि बॉडी जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई राहत कोष उस व्यक्ति का यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लड़के भी कुछ नहीं बता पा रहा है? लड़का ही बॉडी है कहाँ? अभी बॉडी अभी दुबई में है, आने की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है? नहीं, अभी कहाँ प्रतिक्रिया हुई है। 8 दिन हो गया और पूरा इसके परिवार में रोन पीटन उस तरह का व्यवस्था है कि अब कहबे मत करिए, न कठा है न डंटा है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में स्थित राज्य खाद्य निगम के सहायक गोदाम प्रबंधक राज बिहारी चौबे को हटाने की मांग प्रखंड के उप प्रमुख अफजाल अख्तर, अन्य पंचायत समिति सदस्यों ने जिले के उपायुक्त अमित कुमार से किया है। वहीं उप प्रमुख ने बताया कि राज बिहारी चौबे अपने रिश्तेदार को गोदाम में बैठा कर काला बाजारी करवा रहे हैं। हम लोग जल्द से जल्द खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजू राय से मिलेंगे और पूरे मामले से अवगत कराएंगे। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत जो FCI का गोडाउन चल रहा है, राज बिहारी चौबे द्वारा अपने रिश्तेदार को अवैध तरीका से राकेश मिश्रा को गोडाउन में बैठाया जा रहा है, जो वहां का मूल सरकारी रजिस्टर है उसमें लेखा जोखा राकेश मिश्रा कर रहे हैं, जिसमें साफ प्रतीत होता है यहां पर बड़े पैमाने पर कालाबाजारी चल रहा है। आज इस विषय को लेकर हमने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करने का मांग किया और साथ ही कुछ दिनों बाद हम खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सरजू राय से मिलकर राकेश मिश्रा को हटाने का मांग रखते हैं। लातेहार जिले में टमाटर की फसल सूख जाने से किसानों के चेहरे में मायूसी नजर आ रही है और किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पहली बारिश में टमाटर का बीज सड़कर खत्म हो गया और जो बचा भी लिया गया था वह भी अब पानी के अभाव में सूख रहा है। लातेहार जिला टमाटर की खेती के बारे में पूरे झारखंड में एक नंबर पर आता है और यहां से टमाटर झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में इसे ले जाकर बेचा जाता है।
जिससे व्यापारी किसानों से खरीद कर बाहर ले जाकर बेचते हैं। साथ ही इस जिले में कोई सॉस फैक्ट्री भी नहीं है जिससे अपने माल को नजदीक में बेच सके। किसान इस बार भी कई एकड़ में टमाटर की फसल लगाए पर शायद भगवान को यह पसंद नहीं था और किसान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ रही है और लाखों की पूंजी डूबने को तैयार है। टमाटर हम लगभग 10 से 12 एकड़ में टमाटर लगाए हैं, लेकिन उधर बारिश के कारण टमाटर का क्षति हुआ और अब जो है से बारिश नहीं होने के चलते टमाटर बहुत सब मर जा रहा है। बहुत रुपया लगा चुके हैं, लगभग 3-4 लाख रुपया लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है से पूंजी वापस आना मुश्किल है, इसलिए बहुत परेशानी हो गई है। दुकान से कुछ उधार लिए हैं और ट्रैक्टर वाला से उधार जोतवाए हैं, बहुत तरह सब लेबर को तो लेबर पेमेंट तो उन लोग नकदी देना पड़ता है। 25 से 30-40 लेबर डेली काम करता है खेत में। नक्सल मुक्त हो चुके डुमरिया प्रखंड में विकास तेजी से होनी चाहिए। आज भी लोगों के चलने के लिए सड़क नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, यह कहना है नासुक के अध्यक्ष शंकर हेमरम का। वही शंकर हेमरम ने बताया कि डुमरिया प्रखंड एक पिछड़ा इलाका है, विकास की काफी जरूरत है। नक्सली बैकफुट में चले गए हैं, अभी गांव के लोग भी काफी जागरूक हो गए हैं। सरकार को विकास इस इलाके में तेजी से करने की जरूरत है। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डुमरिया प्रखंड के भागा बांधी में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या को सुना और 6 सड़क का शिलान्यास भी किया। जनता काम चाहता है, जनता विकास चाहता है, चेहरा दिखाने के लिए कोई आता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया चेहरा लोग देख चुका है। बक्सर जिले में एक तरफ जहां सूखे से किसान परेशान है, वहीं कांग्रेस के विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के द्वारा लगातार नहरों में पानी होने का दावा बार बार किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान असमंजस में है कि जनप्रतिनिधि आखिर झूठ क्यों बोलते हैं। कांग्रेस विधायक के दावे में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए हमारी टीम जब खेतों में पहुंची तो किसान अपने खेतों के पगडंडी पर बैठकर अपने फसलों को निहार रहे थे। इसी दौरान हमने कांग्रेस के विधायक के दावे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो किसानों ने बताया जिस विधायक के द्वारा ये दावा किया जा रहा है वो खुद चुनाव जीतने के बाद कभी इन गांव में नहीं आए हैं, नहर में थोड़ा भी पानी नहीं है जो किसान के खेत तक पहुंचे। हो सकता है सारा पानी विधायक जी के घर में चला जाता होगा जिससे उनको पता होगा कि नहरों में पानी भरा पड़ा है। विगत 2 दिन से मैं भ्रमण किया और विगत 15 दिन से चीफ इंजीनियर हूं, सोन कैनाल के एसी हों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, एसडीओ हों, जेई हों, हमने सारे लोगों से संपर्क किया और संपर्क करने के दरमियान हमारे बक्सर विधानसभा के क्षेत्र में जितनी नहरें थी लगभग उन नहरों में पानी आया, किसान ने पटवन भी किए, लेकिन बाद बाकी नहरों में जिले की बाद बाकी नहरों में पानी की मात्रा कम होने के चलते किसान निश्चित रूप से परेशान है। मैंने चीफ इंजीनियर से और एसी साहब से मैंने कहा, चीफ इंजीनियर से कि अगर आप कहेंगे तो मैं माननीय मंत्री से भी संबंध में पानी के लिए बात करूंगा, लेकिन उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि नहीं विधायक जी, मैं 200 से 300 क्यूसेक पानी हम नहरों में छोड़वाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हम तो धनों में खड़ा बानी और नहरी में पानी बूंद भर नहीं है कि हमने के कोनो खेत के फसल उपजाई जा। विधायक जी वोट पर था तो दौड़ल हमने के घरे घरे हाथ जोड़ के भीख मांगता नहीं, आज जब विधायक जी के काम हो जाता तो विधायक जी जानते नहीं कुलहरिया गांव में केहू बात अतने बा कि विधायक जी के घरे पानी गिरत हो हमने के मानता नहीं जा, बल्कि हमने के खेत तो मुआर कहीं सुखल कटता नहीं जा आ कहीं यही तरह पटावत नहीं तो बोरिंग से तो लाइनो नहीं खे रहा। अब हमने करी जाए कैसे हमने के साधन देव सब है कि हमने के जी ही जा जिए के रोजगार कौन हमने के दिखाई सब है। ना ना बिल्कुल ना साहब, ऐसा कोनो बात नहीं कि कहीं एकदम देखिए बूंद बूंद पानी नहीं है खेत में, कहीं भी विधायक जी सब झूठ बोलते ना, वोट के चक्कर में समझ नहीं कहता ना कि किसान एकदम बढ़िया फसल उगाता है होगता है उगता, कुछ एक नहीं खे मिला हमने के सहायता खैला बिना मुँह नहीं जाए। तो धान का होता है, धान काट के खिलाओ तो लोग जानवर गाय के एकदम देखिए सब पूरा गाय खातली सब गाय के काट काट के खिलाओ तो नहीं जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए INN24 पर। नमस्कार।